हेलो बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में रॉयल साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं प्यारे बच्चों बात करूंगा आपके नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट की, कि नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट फाइनली कब डिक्लेयर होगा या कब तक होने की इसकी संभावना है। तो इन सभी जो महत्वपूर्ण आपकी कुछ बातें हैं नीट एग्ज़ाम को लेकर, इन सभी पर इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सभी नीट एस्पिरेंट्स इस वीडियो में एंड तक बने रहें, वीडियो को छोड़कर ना जाएं, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मेरे द्वारा आप सभी को दी जाएगी। तो जैसा कि आपका जो नीट एग्ज़ाम है पिछले दिनों 7 मई को संपन्न हुआ था, और उस संपन्न होने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 24 घंटे के अंदर आंसर की अपलोड कर दी थी, और उस आंसर की पर आपकी प्रतिक्रियाएं, आपके जो मिसप्रिंट कुछ क्वेश्चंस थे या विवादित प्रश्न थे, उन सभी पर आपसे प्रतिक्रियाएं मांगी गई हैं और अभी भी मांगी जा रही हैं। फिर उसके बाद क्या होगा बच्चों, के जो आपका फाइनल आंसर की है वो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा अपलोड कर दिया जाएगा। इसी संस्था ने आपके नीट एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। फिर उसके बाद अब बात आती है आपके रिजल्ट की, कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो रिजल्ट की अगर बात करें तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कुछ अधिकारियों के बयान के अनुसार ऐसा सामने निकल कर आया है कि जो आपका रिजल्ट है नीट एग्ज़ाम 2023 का, वह 31 मई को या 31 मई से पहले आ सकता है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। यदि यह इन्फॉर्मेशन आप सभी प्यारे बच्चों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे ही लेटेस्ट नीट एग्ज़ाम या नीट के रिजल्ट से संबंधित लेटेस्ट वीडियो अपडेट के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपके अपने इस चैनल पर क्लास 9th टू क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस कंप्लीट कराया जा रहा है, जिसके कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। और क्लास 11th से क्लास बायो के लिए क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपका फर्स्ट वीडियो क्लास 12th का अपलोड कर दिया गया है। तो वे सभी प्यारे बच्चे भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।